दोस्तों थंबनेल आपने देख लिया होगा, सबसे बड़ी खबर निकल गई दोस्तों यहां पे कि यूपी के जो सीएम है दोस्तों योगी आदित्यनाथ, उनका बड़ा फैसला दोस्तों था उस चीज को देखते हुए। उन्होंने दोस्तों ग्रेटर नोएडा, नोएडा में दोस्तों इंडिया का सबसे बड़ा दोस्तों डेटा सेंटर यहां पे बनाया, 7,000 करोड़ का दोस्तों इन्वेस्टमेंट यहां पे करते हुए डेटा सेंटर बना, जहां पे पूरे भारत का डेटा, बड़ी बड़ी कंपनीज को आज डेटा चाहिए स्टोरेज के लिए दोस्तों, फैसिलिटी चाहिए, तो वहां पे दोस्तों ये डेटा सेंटर बना है। बहुत ही आला ग्रांड डेटा सेंटर है दोस्तों, जो कैटर करेगा करोड़ों लोगों को दोस्तों यहां पे। तो क्या है दोस्तों ये पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट, किस तरह से दोस्तों क्या है, और योटा कौन है दोस्तों, हिरण अंदानी ग्रुप दोस्तों कितना बड़ा है, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो में, किस तरह से भारत जो है दोस्तों आने वाले टाइम के अंदर डेटा सेंटर का हब भी बनता जा रहा है, और बहुत सारा कंपटीशन ही भारत में होने वाला है। इन सारी चीजों को दोस्तों विस्तार में बात करेंगे इस वीडियो में, प्लीज बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप सभी जानते हैं, डिजिटल इंडिया भारत सरकार मोदी जी का दोस्तों मिशन, उसको लेते हुए दोस्तों यूपी के चीफ मिनिस्टर, इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट, यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ दोस्तों यहां पे आ चुके हैं। उन्होंने दोस्तों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रखा है, इसलिए दोस्तों आप देखेंगे तो दिल्ली के आसपास, मतलब यहां पे यूपी की जो बॉर्डर है दोस्तों, हमें नोएडा वोएडा जितने भी दोस्तों, हमें ग्रेटर नोएडा हो गया, या जितने भी दोस्तों गुड़गांव वगैरह, जितने भी यूपी के अंदर दोस्तों जो भी जगह है, वहां पे दोस्तों बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। मतलब यूपी अब है ना हब बन चुका है इन्वेस्टमेंट का, यहां पे 50 मोबाइल कंपनीज अपने अपने प्लांट्स लेके चुके दोस्तों। अब यहां पे एक बड़ा चीज योगी आदित्यनाथ ने यहां पे किया कि वहां पे दोस्तों ग्रेटर नोएडा के पास यहां पे ऑलमोस्ट 20 एकड़ में दोस्तों, ऑलमोस्ट 20 एकड़ के अंदर दोस्तों यहां पे डेटा सेंटर का बहुत बड़ा आलीशान दोस्तों यहां पे इन्वेस्टमेंट करवाया। किसने किया दोस्तों, ये स्क्रीन पे दोस्तों देख सकते हैं, योटा लेज फाउंडेशन फॉर ₹7,000 करोड़ डेटा सेंटर पार्क इन ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में दोस्तों योटा जो है ये कंपनी जो हिरण अंदानी का ही ग्रुप है दोस्तों, हिरण अंदानी बहुत बड़े बिल्डर है, उनका दोस्तों ग्रुप है योटा, जिन्होंने दोस्तों यहां पे 7,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहां पे ग्रेटर नोएडा के पास किया है। ये दोस्तों डेटा सेंटर क्या है, कितना दोस्तों बड़ा है, कितना दोस्तों इंडिया को प्रॉफिट होने वाला है इससे, उसके बारे में देखते हैं। दोस्तों हिरण अंदानी ग्रुप दोस्तों यहां पे जो फॉर्म है, जोटा इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी दोस्तों यहां पे कंपनी है, जिन्होंने यहां पे मंडे यहां पे बताया कि यहां पे लेड द फाउंडेशन ऑफ द 20 करोड़ दोस्तों, यहां पे 20 एकड़ का दोस्तों दिल्ली एनसीआर के पास दोस्तों डेटा सेंटर पार्क बनाया ग्रेटर नोएडा के पास। ग्रेटर नोएडा में दोस्तों 20 एकड़ लैंड के ऊपर दोस्तों ये डेटा सेंटर पार्क बनने वाला है, जहां पे वर्चुअल प्रेजेंस थी दोस्तों यहां पे उत्तर प्रदेश के सीएम जो थे दोस्तों, कोई भी कोरोना चल रहा तो यहां पे वर्चुअल मीटिंग में दोस्तों यहां पे बताया गया था। कंपनी हैड अर्लियर अनाउंस प्लान्स टू इन्वेस्ट 6,000-7,000 करोड़ इन द फैसिलिटीज, 6,000 से लेकर 7,000 करोड़ का दोस्तों कंपनी ने प्लान किया था, वैसा ही दोस्तों यहां पे हो रहा है 7,000 करोड़ का। और यहां पे यूपी के सीएम बोल रहे हैं कि आई एम प्लीज दैट द फर्स्ट डेटा सेंटर पार्क ऑफ उत्तर प्रदेश इज कमिंग अप टू ग्रेटर नोएडा। यूपी के सीएम बोल रहे हैं कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि क्या मतलब सीएम का बात करें, उत्तर प्रदेश का सबसे पहला दोस्तों डेटा सेंटर यहां पे ग्रेटर नोएडा में यहां पे लग रहा है। कांग्रेचुलेट टू द हिरण अंदानी ग्रुप एंड योटा टू द ऑस्पिशियस ओकेशन, उन्होंने दोस्तों यहां पे हिरण अंदानी ग्रुप को, योटा को दोस्तों कंपनी को यहां पे कांग्रेचुलेट किया है। हिरण अंदानी ग्रुप वाज द डेमोंस्ट्रेटेड द विजन टू बिल्डिंग द डेटा सेंटर्स पार्क इन यूपी इवन बिफोर वी हैव फॉर्मली लॉन्च आवर डेटा सेंटर पॉलिसी। इन्होंने डेटा सेंटर पॉलिसी जो बनाई थी यूपी सरकार ने, उससे पहले हिरण अंदानी ग्रुप ने इनको प्रपोजल दिया था कि हम इस तरह से काम करना चाहते हैं, और यहां पे यूपी की गवर्नमेंट ने दोस्तों यहां पे यूपी फर्स्ट डेटा सेंटर पार्क विल अनलॉक लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज, बहुत सारी ऐसी चीजें होगी जो यहां पे खुलने वाली इस पार्क से, विच विल प्ले द की रोल्स इन रियलाइजिंग द पीएम मोदीज डिजिटल इंडिया विजन। डिजिटल इंडिया मिशन और आत्मनिर्भर भारत दोस्तों दोनों को दोस्तों यहां पे आगे लेके जाना है, और ये दोस्तों सबसे बड़ी चीज है डेटा। आप समझ सकते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज को डेटा चाहिए होता आजकल, और आपकी जो ये अपने लैपटॉप में 1 GB 2 GB 1 TB 2 TB की जो हार्ड डिस्क होती है नहीं, हजारों लाखों टीबी का डेटा दोस्तों आपको एक साथ एक पर्टिकुलर कंपनी को चाहिए था, उसके लिए डेटा सेंटर स्पेसिफिक बन रहा है। अब क्या दोस्तों यहां पे बताया जा रहा है, यहां पे द पार्क विल कंसिस्ट द 6 इंटरकनेक्ट डेटा सेंटर बिल्डिंग, 6 दोस्तों यहां पे एक से एक एक दूसरे से कनेक्टेड इंटरकनेक्टेड यहां पे डेटा सेंटर बिल्डिंग्स होंगी, विच विल ऑफर 30,000 रैक्स, 30,000 रैक्स। रैक्स क्या होता है, पूरा एक सेक्शन होता है जहां पे अलग 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 मशीन रखी जाती है, ठीक है, पूरे का पूरा डेटा रखने की हार्ड डिस्क खोल सकते हैं आप, रख जाते हो, इतने बड़े बड़े सेक्शन होते हैं। 30,000 से ज्यादा दोस्तों यहां पे रिक्स होगी, जहां पे दोस्तों 20 मेगावाट का पावर चाहिए होगा, सॉरी 200 मेगावाट का पावर चाहिए होगा, 200 मेगावाट का पावर भी चाहिए होगा, इतनी सारी लाइट की कंजप्शन होगी। इसलिए दोस्तों यूपी सरकार ने स्पेशली इनको अच्छा खासा सपोर्ट किया है, और उसका हिरण अंदानी ग्रुप का जो योटा है दोस्तों, उसने यहां पे बड़ा सा दोस्तों 7,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हुए यहां पे डेटा सेंटर यहां पे बनाया। आने वाले टाइम में दोस्तों यूपी जो है बहुत बड़े बड़े लेवल के काम
काम यहां पे करने वाला है। लेकिन दोस्तों 100 बात की एक बात है कि यहां पे भारत में अब यहां पे बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो रही है आईटी में, तो दोस्तों इंडिया नंबर वन। लेकिन अब डेटा स्टोरेज के मामले में दोस्तों भारत जो है बहुत आगे जा रहा है। इसके एक झलक हो रही है दोस्तों कि आने वाले टाइम के अंदर कंपटीशन बहुत होने वाला है। जब बताया जाए इट कैन बी नोटेड द कंपटीशन इन द डेटा सेंटर बिजनेस इज गेटिंग इंटेंस विद द न्यू इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट फ्रॉम द लाइक ऑफ अदानी ग्रुप। अदानी ग्रुप भी दोस्तों इसमें कूद चुका है, जो अदानी अंबानी सब कूद चुके हैं डेटा सेंटर के अंदर। आने वाले टाइम में भारत के हर जगह पे आपको बड़े बड़े दोस्तों ये डेटा सेंटर्स मिलेंगे। इसका मतलब ये कि भारत का डेटा कंजप्शन बढ़ता जा रहा है, डिजिटल इंडिया बहुत पावरली आगे जा रहा है, लोगों का डेटा कंजप्शन भी बढ़ता जा रहा है। आपका डेटा भारत में ही सेव होने वाला है, चाइना वाइना कहीं नहीं जाएगा। तो दोस्तों ये थी सबसे बड़ी अपडेट जो आई थी दोस्तों हमें हिरण अंबानी ग्रुप की योटा कंपनी की तरफ से, जिन्होंने यूपी के ग्रेटर नोएडा के अंदर 7,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हुए भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर यहां पर बनाया, जो भारतीयों का डेटा रखेगा, सेफ ना जाएगा वो चाइना। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक थम्स अप जरूर दे देना। आपके भाई का चैनल है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के साथ, उन्हें डेफिनेटली अच्छा लगेगा। पहली बार हमारे चैनल पे, पहली बार आपके भाई को देख रहे हैं, तो लाल कलर का जो बटन है ना इसको जोर दबा दीजिए। इसको दबाने का फायदा यह है कि आप हमारी छोटी सी टेक्नोडील फैमिली के वीआईपी मेंबर बन जाएंगे। इसके पास दिखेगा एक घंटी का बटन, उसको जोर दबा देना। उसको दबाने का फायदा फ्रेंड्स यह है कि जब भी मैं एक नया वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड करूंगा सबसे पहले आपके फोन की घंटी बजेगी और आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो सबसे पहले। तो इस घंटी के बटन को भूले बिना जोर दबा देना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नई बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।